मर्दाना कमजोरी की दवाई, मर्दाना कमजोरी की दवाई, और फिर कहते हैं कि स्त्रियां कमजोर हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बात मुझे याद आ रही थी। और स्त्री यदि अपनी वो जाहिर कर दे जो कृष्ण सोबती की आई, मित्रो मर जानी है, और ऐ लड़की, तो उनके ऊपर कितने कितने अश्लीलता के तमगे लगे। जब हमारी महिला कथाकारों ने, ये जीवनीकारों ने अपनी जीवनियां लिखी, प्रभा खेतान का छिन्न मस्ता, और फिर आपके मनु भंडारी की एक कहानी यह भी, जिसमें उन्होंने राजेंद्र यादव जी की होना सोना एक खूबसूरत दुश्मन के साथ उन्होंने लिखा, तो इन्होंने लिखा एक कहानी यह भी। तो फिर तिलमिला गए, समीक्षक तिलमिला गए, और एक वरिष्ठ कथाकार ने कहा कि ये छिनाल शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कितना शर्म की बात है। और तब आप कहते हो कि महिला का लेखन ऐसा होता है, वैसा होता है, यानी महिला जो कुछ लिखे आप उसको, उसकी आलोचना करेंगे, उसकी नुक्ताचीनी करेंगे, कभी कहेंगे कि चौका चूल्हे का ये साहित्य है। जब आपने उसे चौका चूल्हा दिया है तो वो आपके क्या सीमा की करेगी कि बंदूक कैसे चलाई जाती है। हर कोई अपने अनुभव क्षेत्र से लिखता है, आप उसे अनुभव का विस्तार दीजिए, वो विस्तृत अनुभव की बातें लिखेगी। और अंग्रेजी में जेन ऑस्टिन को आइवरी की, वो तो बस नक्काशी करती है, तो ठीक है नक्काशी तो करती है ना, किसी भी चीज को लिखना डूब के लिखना। सिमोन द बोवुआर ने जब लिखा द सेकंड सेक्स, प्रभा खेतान ने उसका अनुवाद किया था स्त्री उपेक्षिता, तब पूरी दुनिया तिलमिला गई थी। तो स्त्रियों की बात इसी तरह से तिलमिलाने वाली होती है। लेकिन जैसे भी सुमन केसरी जी ने कहा कि हमें बड़े फलक को अब लेना है, बहुत रोना धोना हो गया, इस चीज को माना जा सकता है कि पुरुषों ने क्या उसे कम रुलाया है जो स्त्रियों को रोने की जरूरत रह गई। पुरुषों ने तो बस रोता जाता ही उसको चित्रित किया है हर जगह, और जो स्त्रियां उसके मैत्रेयी पुष्पा है, मैत्रेयी पुष्पा कितना मजबूत पक्ष स्त्री का रखती है, अलमा कबूतरी है, चाक है, और इदन्नमम है, जितने भी उनके उपन्यास हैं, इदन्नमम तो खैर विस्तृत फलक का उपन्यास है, किंतु जितने भी उनके उपन्यास हैं उसमें जहां से भी वो एक स्त्री पात्र को उठाती हैं, अंत में उनकी स्त्री पात्र वहां पहुंचती है, आज तो बेबी हल्दार एक नजीर बनी हुई है, वहां पहुंचती है जहां ये पहुंची। अच्छा, एक बात और मैं आपकी बात से कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि जिस समय स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, महिलाओं को गांधी जी ने घर से बाहर निकाला, बहुत अच्छी बात है, निकाला और सबके सहयोग से आजादी मिल भी गई, किंतु उसके बाद क्या हुआ, महिलाएं कहां गई? तो जहां पर नीति उसकी बात आती है, जहां तक पुरुषों के आधिपत्य में कोई दखल नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां तक तो तुम बोलो, स्कर्ट पहनाती हो अपनी नायिका को तो मिनी स्कर्ट पहनाओ और ओपन चित्रण करो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किंतु जहां उनके गढ़ में सेध लगती है फिर उनको छटपटाहट होने लगती है, ऐसा क्यों होना चाहिए? अभी आपने देखा कि पंचायत में वो आरक्षण हो गया है, 35% का या 50% का, मुझे सही से जानकारी नहीं है, पंचायत में शायद 50% का आरक्षण है, हाँ 50% है। तो महिला प्रधान बनी, महिला प्रधान बनी, कैसे जीती? उनके पतियों ने जिताया, उनका इतना कहाँ पहचान रहा होगा। अब इसके बाद पति प्रधान जी कहे जाने लगे, और किसी के आगे और ज्यादा विशेषण जोड़ा गया तो प्रधानपति हो गए वो। इसके बाद क्या हुआ कि अभी 4-6 दिन पहले अखबार में एक खबर आई कि 50 महिला प्रधानों ने मिलकर के एक संस्था बनाई और कहा कि हम अपने पतियों की हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे, हम अपने पतियों को ना कहना सीखेंगे। तो ये है कि आप पहले जिम्मेदारी देंगे तो देखिए भाई, नहीं नहीं तुम्हारे वश का नहीं है, तुम्हारे वश का नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसी क्रम में मैं बेबी हल्दार से पूछना चाहूंगी कि आप इतने देशों में गई, इतने
भाषाओं में आपका अनुवाद हुआ, इतने लोगों से आपकी बातचीत हुई और अभी आपका पूरा आगे फ्यूचर पड़ा है। तो अगर आपको कल को कोई पार्टी टिकट दे तो आप किस पार्टी से खड़ा होना चाहेंगे और महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? इस पार्टी बनाई है। देखिए, मेरा तो पहली बात तो ये है, पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि मैं सब देखते रहती हूँ, सब एक सही है, एक सही है। क्योंकि पहले कहते हैं तुम मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, ये करूंगा, वो करूंगा, देश का ये करूंगा, तुम्हारे समाज के लिए ये करूंगा। जब वो हो जाते हैं तब अपने ही जेब पहले देखते हैं, बस यही। उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं औरतों के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके लिए लड़ना भी चाहती हूँ। और हमारे जैसा कमजोर औरत दुनिया में बहुत है और उनको मैं यही बताना चाहूंगी, जो लोग अनपढ़ है थोड़ा पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने से अपना दिमाग का खिड़की भी खुलती है, अपना चयन खुद भी चुन सकती है, अपना पैर पे खुद खड़ा हो सकते हैं। ये प्रश्न मैं सुमन केसरी जी की तरफ भी भेजना चाहूंगी कि राजनीतिक भागीदारी के बिना कुछ नहीं होने वाला है, तो इसके लिए भाइयों को भी मिला करिए, क्योंकि देखिए जहाँ भी स्त्रियों की दशा सुधरी है बिना भाइयों को मिलाए नहीं सुधरी है। 19वीं शताब्दी में जितने भी ये सांस्कृतिक उत्थान के आंदोलन हुए, राजा राम मोहन राय हों, दयानंद सरस्वती हों, या इन लोगों ने महिला उत्थान के लिए बहुत काम किया। और मैं समझ रही हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है वो अपनी पत्नियों को, अपनी माँओं को ज्यादा अच्छे से समझ रही है। अगर आप सब लोग सहमत हो तो हमारे बेटे हमारे पतियों से ज्यादा परिपक्व हैं, ज्यादा समझते हैं महिलाओं को, ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो हमारी परवरिश है और हमारे पति लोग हमारे सासों की परवरिश थे। लेकिन अरे भाई, सास में कितने पर्दे में रखती थी, हम बहू कितना स्वतंत्र रहते हैं, तो ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती, महिला कहीं नहीं पहुंचने वाली है। ज्यादा से ज्यादा स्टेजों पे कुछ बोल देगी, भड़ास निकाल देगी, पहुंचेगी कहीं नहीं। और ये जो आरक्षण मिला है महिला प्रधानों को, ये अपने आप में बता रहा है कि भाई क्या स्थिति हो जाती है, कहाँ से शुरू करती हैं और कहाँ पहुँचती हैं, कितनी जागरूकता आती है। तो मैं सुमन केसरी जी से प्रश्न करती हूँ कि 19 वाला जो चुनाव होने वाला है, क्या कुछ किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं खड़ी हों? जैसे अभी आपने कहा कि मेरी कोई रुचि नहीं है, अधिकतर महिलाओं में राजनीतिक क्षेत्र में जाने की रुचि नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है? वो सोचेंगे कि अरे तब तक मैं सब्जी काट लूंगी कि ये, तो हम क्यों, हम थोड़ा ओढ़ते भी हैं अपनी गृहस्थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, मुझे राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि है। और अगर हम लोग राजनीति पर घर में या बाहर बात करने लगते हैं तो हर चीज भूल जाते हैं। मुझे राजनीति में, राजनीतिक पार्टियों में, उनके किए धरे पर सब में बेहद रुचि है। तो अगर मुझे राजनीति में जाने का मौका मिला और मैं अपने लेखन को, अपने बात को, मैं मानती हूँ कि मैं एक राजनीतिक काम भी कर रही हूँ, केवल सामाजिक या साहित्यिक काम नहीं है। मैं बहुत I am really aware, मैं जानती हूँ कि मैं एक राजनीतिक, गहरे राजनीतिक काम में लगी हूँ। और इसी तरह से अगर मुझे सीधी राजनीति में जाने का मौका मिला तो मैं अवश्य जाऊंगी। बहुत साफ है कि मैं किसी ऐसी राजनीति में नहीं जाऊंगी जो सांप्रदायिकता को फैलाएगी, यह भी बिल्कुल एकदम दिन और रात की तरह साफ है मेरे दिमाग में। लेकिन अगर एक इंक्लूसिव पार्टी है और अगर मुझे टिकट मिले तो मैं जरूर लड़ूंगी। ये अलग बात है कि
उसके लिए मेरी तैयारी नहीं है। मैं एक मास लीडर हो सकती हूँ कि नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मेरी तैयारी नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि सभी पार्टियां एक सी हैं, वो बहुत नैव है, या नैव टू द कोर। नहीं, सभी पार्टियां एक सी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि वादे किए गए और वादे पूरे नहीं किए गए, वो गलत हैं। नहीं तो मुझ जैसी लड़कियां, मुझ जैसी औरतें, मैं भी लड़की कहती हूँ अपने आप को, बिकॉज मैं अपने दिल में बिल्कुल साफ हूँ कि बहुत सारी लड़कियों से ज्यादा मैं साहसी और मतलब एडवेंचरस हूं मैं। तो मैं ये कह रही हूँ, सॉरी मैं भूल गई अपने पॉइंट को, मुझ जैसी लड़कियां, नहीं नहीं उससे पहले नहीं, एक सी पार्टी, हर पार्टी एक सी नहीं होती, क्योंकि अगर मैं हर व्यक्ति एक सा होता तो मैं और हम सब लोग यहाँ पर ना बैठे होते, ये अभी मतलब लाइव ना हो रहे होते। आप लोग जो ये सारे के सारे प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, ये ना हो रहे होते, क्योंकि काम हुआ है, बहुत काम हुआ है।